A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last three videos, we already discussed the almost all the important theoretical and the practical concept related to the last chapter of part B, that is on cash flow statement. And you can see that in this chapter, firstly, we discussed how we will find out the cash flow from operating activity, how we will find out the cash flow from investing activity, and thereafter you can see that how we will find out the financing activity. And thereafter we merge all these activities into the one statement, which is called cash flow statement. And cash flow statement will be prepared as per the accounting standard 3 revised, जिसमें हम सारी एक्टिविटीज के जो आंसर्स होते हैं उनको एक साथ क्लब करते हैं. क्लबिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, तीनों के जो टोटल्स होते हैं उनके बेसिस पे नेट इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड आउट करते हैं, विच इज कॉल्ड नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. एंड उसमें देयर आफ्टर वी एडेड द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग एंड एट द एंड वी फाइंड आउट द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड. सो टुडे वी विल स्टार्ट दी फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो आपकी तरफ से क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 59. दिस इज एन एडिशनल प्रॉब्लम. सो पहले हम लोग वीडियो के आज की स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 59 सेज दैट राज लिमिटेड हैड अ प्रॉफिट ऑफ 17,50,000. यानी राज लिमिटेड की प्रॉफिट कितनी है, 17,50,000. Profit during the year will be a 17,50,000. Okay, and after considering the following, उसमें सारी चीजें consider की गई हैं. कौन कौन सी चीजें consider की गई हैं? First depreciation. So you know very well, depreciation will be known as a non-operating and non-cash. Depreciation on building, depreciation on plant machinery, goodwill written off, loss on sale of machinery, इन सारी चीजों को हम लोग क्या कर देते हैं, एक साथ ऐड कर देते हैं. सो डेप्रीशिएशन हुआ, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी पे है, चाहे वो डेप्रीशिएशन हो बिल्डिंग पे. सो बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन कितना है, बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन है 1,30,000. एंड प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रीशिएशन है वो है 40,000. एंड नाउ गुडविल रिटन ऑफ, इन सबको भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. गुडविल रिटन ऑफ ऐड कर लेंगे, कितना आएगा, 25,000. एंड एट लास्ट हम ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी. लॉस ऑन, अगर प्रॉफिट होता तो माइनस होता. लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी इज 9,000. तो इसकी वैल्यू जैसे ही हम ऐड करेंगे तो इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इससे पहले भी हम लोगों ने जो क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन डाउट किए हैं, उस बेसिस से ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है अब तक का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में अगर हम इसको कहें तो गलत नहीं होगा. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे आएगा, 17,50,000 में सारी वैल्यूज ऐड कर दो तो वी फाइंड आउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. एंड देयर आफ्टर करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी का हम एडजस्टमेंट कर देंगे. जैसे आपको पता ही है, मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में, एज वेल एज द प्रीवियस वीडियो में बताया भी हुआ है कि इफ करंट एसेट्स विल बी इंक्रीजेस इट विल बी डेबिटेड, इफ करंट लाइबिलिटी विल बी डिक्रीजेस इट विल बी डिडक्टेड. बट इन केस ऑफ करंट एसेट्स, इफ करंट एसेट विल बी इंक्रीजेस इट विल बी डिडक्टेड एंड इफ करंट एसेट्स विल बी डिक्लाइनिंग सो इट विल बी एडेड. सो उस हिसाब से इन्वेंट्री, बिल्स रिसेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड प्रीपेड बिल्स पेबल को कंसिडर किया जाएगा. कैश विल बी नॉट अ पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स व्हाइल वी प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट. Okay, so after solving the question number 59, let's move to the next question. So after completing the first question, which is doubt from your side,
लेट्स मी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 36, जिसका ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट वीडियो सेशन में हम लोगों ने इसका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स फाइंड आउट कर लिया है। इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन का, दैट इज एन क्वेश्चन नंबर 36 का, हम लोग कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम डिफरेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करने के बाद हम कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन द क्वेश्चन नंबर 36, यू नो वेरी वेल, सबसे पहले हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट हेडिंग डालते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाने जा रहे हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली कितने कॉलम्स होते हैं? दो कॉलम्स होते हैं, एक डिटेल का और दूसरा अमाउंट का। जिसमें सबसे फर्स्ट होता है आपका, पहली एक्टिविटी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन दिस एक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम फाइंड आउट करते हैं, और जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ था लास्ट वीडियो सेशन में, इस वीडियो में हम उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि इस वीडियो में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये नहीं बताएंगे, इस वीडियो में भी हम उस पार्ट को रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना आया था? वो आपका आया था 1,35,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम विल बी 1,35,000। उसमें फिर हम लोग ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस। क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस जो कि है आपका डेप्रिशिएशन। टोटल डेप्रिशिएशन आपका है 36,000, 30,000 ऑन प्लांट एंड 50,000 ऑन बिल्डिंग। सो टोटल विल बी 80,000। और इसमें ऐड होता है एमोर्टाइजेशन, और इसमें ऐड होता है आपका एमोर्टाइजेशन भी है इसमें, इनटेंजिबल एसेट्स डिक्लाइन हो रहा है, इनटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। पहले इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कितनी थी? पहले इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू 30, नाउ इट विल बी 20, सो 10,000 इनटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। एंड इन दिस क्वेश्चन there is a no profit and loss on sale of the assets, as well as there is an, in this question there is a non-current investment. कोई non-current investment भी नहीं है, तो आपको पता ही है इस situation में हम लोग क्या करते हैं, इस situation में हम लोग सीधे add कर देते हैं 90, जो भी add items हैं, तो याद रहता है 2,25,000, and this 2,25,000 will be known as the operating profit before वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये जो 2,25,000 आए विल बी नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद? आफ्टर दैट हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस फाइंड आउट करने के बाद हम लोग इसमें करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट करेंगे। इसमें भी दो कॉलम होंगे आपके, डिटेल अमाउंट के, गॉट इट? डिटेल एंड अमाउंट होगा आपका। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस फाइंड आउट हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करेंगे। पहला है ट्रेड पेबल। सो यू कैन सी दैट ट्रेड पेबल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना? यस, इंक्रीज हो रहा है। ट्रेड पेबल जब इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जब भी कोई भी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसे प्लस, लेकिन यार डिक्रीज होगी तो माइनस करेंगे। 18,000 रुपीज क्या होगा? माइनस होगा। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स है और प्रोविजन फॉर टैक्स का ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुका है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री,
इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है? इन्वेंट्री की वैल्यू है आपकी 45 से 95, 50,000 इंक्रीज कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि जब भी कोई करंट एसेट्स बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं ट्रेड रिसीवेबल। पहले था आपका 120, अब हो गया 2,80,000। ट्रेड रिसीवेबल पहले था 120, उसके बाद हो गया 2,00,000, बढ़ रहा है ये भी, तो उसको भी क्या करते हैं, माइनस कर। सो यहाँ इस क्वेश्चन में सारे 2,25,000 में से सब कुछ माइनस हो, ठीक है। कितना माइनस करना होगा हमें, 1,48,000 डिडक्ट करना होगा फ्रॉम 2,25,000। सो 2,25,000 में जब हम 1,48,000 माइनस करेंगे, 2,25,000 में से 0,148 माइनस करेंगे 7,17, इट कॉल्ड 77,000, इट इज कॉल्ड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या कहलाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 77,000। और आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और हमने कितना इनकम टैक्स पेड, कितना इनकम टैक्स पे कर दिया? सो इनकम टैक्स पे कितना किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 36, 36 क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग हमने इनकम टैक्स पे किया है 25,000। सो ये आपका आ गया 52,000। Am I correct? Yes. The answer is correct. आप answer भी देखिएगा तो उसमें दिया हुआ cash flow from operating activities 52,000। उसके बाद हम लोग चलेंगे second part पे, cash flow from investing activity। Investing activities। So investing activity में हम लोग क्या क्या focus करते हैं? Investing activity में हम लोग focus करते हैं purchase and sale of non current assets and लाइबिलिटीज पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे अगर हम लोग ध्यान दें, सो वी कैन से दैट इन द क्वेश्चन नंबर 36 टेंजिबल एसेट्स जिसका नोट्स टू अकाउंट 3 है, उसमें दो टाइप के एसेट्स है, बिल्डिंग एंड प्लांट। बिल्डिंग था 1,00,000 रुपए का बिगनिंग में और एंड में हो गया 80,000 पीस का, और प्लान जो था पहले था 40,000 का और नाउ इट विल बी 70,000। और दोनों पे ही डेप्रिसिएशन, प्लान पे डेप्रिसिएशन 30,000 और बिल्डिंग पे है 50,000। सो यू नो वेरी वेल, अगर आप बिगनिंग पे डेप्रिसिएशन लगाइए बिल्डिंग पे, सो बिल्डिंग कितने की थी, 1,00,000, उस पे डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 50,000। सो नाउ इट्स वैल्यू इज 50,000, 1,00,000 माइनस 50,000 इक्वल्स टू 50,000, और हमने क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 80,000। सो इसका मतलब आपने बिल्डिंग को परचेस किया है, सेल नहीं किया है, परचेस किया, परचेस ऑफ बिल्डिंग। आप ये चीज अकाउंट बनाकर भी देख सकते हैं, दोनों ही तरीका सही है। कैसे आएगा, 1,00,000 रुपए यानी जो ओपनिंग बैलेंस था पहले उस पर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर उसको कंपेयर किया क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। 1,00,000 में 50 गया 50 में से फिर 80 घटाया तो ये क्या आ जाएगा, माइनस। क्योंकि परचेज का मतलब क्या होता है, माइनस। उसी प्रकार से सेम एज इट इज हम प्लांट का फाइंड आउट करेंगे। प्लांट का भी हमें ये नहीं पता है कि परचेज है कि सेल है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। प्लांट का ओपनिंग वैल्यू है 40,000, उस पर डेप्रिसिएशन लगाइए कितना है 30,000, तो होना चाहिए 10,000 वैल्यू, बट उसकी वैल्यू कितनी है 70,000। सो उसका मतलब आपने प्लांट भी खरीदा है, कितना प्लांट खरीदा है आपने 60,000। सो इट इज कॉल्ड परचेज ऑफ प्लांट। और अब आप टोटल करिए, आंसर आ जाएगा 90,000 इन माइनस, 90,000 इन माइनस, दिस इज कॉल्ड कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
ये क्वेश्चन इतने लेंदी होते हैं कि वो एक बोर्ड पे नहीं एडजस्ट हो सकते, और ऐसा भी नहीं है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक एक्टिविटी करके रफ कर दिए, दूसरी एक्टिविटी रफ करके रफ कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। सो ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस नाउ लेट्स वी स्टार्ट द थर्ड एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लोग क्या करेंगे, पहले ड्रॉ कर देते हैं कॉलम। सबसे पहले हमें यहाँ फाइंड आउट करना है सी में फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यू नो वेरी वेल, सबसे जो पहला वैल्यू है आपका वो किससे रिलेट करता है, इट विल बी रिलेटेड टू द इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। सो क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, इक्विटी शेयर जो था वो पहले कितना था 2 लाख, और अब कितना हो गया 250। इसका मतलब ड्यूरिंग द आपने 50,000 का शेयर इशू किया। सो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 प्लस। ओके, सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर, पहले था 50,000 का, अब हो गया 40,000। इसका मतलब आपने प्रेफरेंस शेयर को क्या किया, रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10,000 इन नेगेटिव बैलेंस, क्योंकि रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा जाना। और इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो कहीं कुछ भी और गिवन नहीं है, सो ये आपका आ गया 40,000 नेगेटिव में आ गया। अब थोड़ा उसको और ऊपर लिखिए, 40,000 नेगेटिव में इक्विटीज। और आपको पता है कि तीनों एक्टिविटी का आंसर निकालने के बाद, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, तीनों का निकालने के बाद हम तीनों को ऐड करें। अगर आप देखिए 52,000 प्लस 40,000 इज 90,000, 92,000 एंड माइनस 90,000, 2,000 इज अ पॉजिटिव बैलेंस, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तीनों को ऐड किया तो कितना आ गया 2000 आ गया, तीनों को ऐड किया 52,000 माइनस 90,000 प्लस 40,000, इट इज कॉल्ड 2000 इन पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश। फिर इस 2000 में हम लोग ऐड करेंगे कैश इन कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग, बिगनिंग का कैश इन कैश इक्विवेलेंट कितना था 15,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग इज 15,000, सो कैश इन कैश इक्विवेलेंट एट एंड कितना हो गया आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड कितना हो गया आपका 17,000। सो ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। इसको अच्छे से अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए। So you can see that in the question number 36, firstly we find out the cash flow from operating activity, thereafter we find out the cash flow from investing activity, and thereafter we find out the cash flow from financing activity at one table under the one statement which is called cash flow statement. उसके बाद तीनों के टोटल को किया, टोटल अगर पॉजिटिव में आया तो नेट इंक्रीज, नेगेटिव में आता है तो नेट डिक्रीज, और उसके बाद जो नेट इंक्रीज आया उसमें हम लोगों ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगनिंग का जो बैलेंस बैलेंस शीट में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, आप देखिए क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बिगनिंग दिया 15,000, सो एंड का ऑटोमेटिक आंसर कितना आ जाएगा 17,000। यही आपके क्वेश्चन की रिलायबिलिटी है, यही चेक करेगा कि आपने जो सॉल्यूशन किया है वो सही है या नहीं है। ओके, एंड वन मोर रिक्वेस्ट कि ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद ये जो पॉइंट है 1,35,000, ये कैसे हमने फाइंड आउट किया है, इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विवेक लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, इक्विटी इन लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व इन सरप्लस, करेंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल इन टेंजिबल,
करंट एसेट्स इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शेयर कैपिटल इक्विटी प्रेफरेंस शॉर्ट टर्म प्रोविजन विल बी अ प्रोविजन फॉर टैक्स टेंजिबल एसेट्स बिल्डिंग एंड प्लांट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर गिवन एज फॉलोज डेप्रिशिएशन चार्ज ऑन प्लांट वॉज 30,000 एंड ऑन बिल्डिंग रुपीज 50,000 एंड इनकम टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 25,000. So in this question, firstly we find out the and prepare the cash flow statement. So question number 36. In the question number 36, firstly we prepare the cash flow statement. You know very well. But if you know very well, cash flow statement बनाने से पहले हमें क्या find out करना पड़ता है? Net profit before tax and extraordinary item. So पहले हम लोग क्या find out करेंगे? Computation of नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट क्या है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है. सो उसके लिए इन दिस क्वेश्चन यू नो वेरी वेल सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. सो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर विल बी अ करेंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट. बट क्वेश्चन में प्रॉफिट सेपरेटली नहीं गिवन है तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो डिफरेंस है करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर इज 50,000, करेंट ईयर इज 1,52,000 इज 1,02,000. और इसमें हम लोग क्या करते हैं यू नो वेरी वेल इंटरिम डिविडेंड पेड, हाँ ये सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं. बट इस क्वेश्चन में You can see that ना तो dividend के बारे में कुछ है, ना interim dividend है, ना proposed dividend है, ना transfer to general reserve के बारे में कोई information अलग से दी हुई है. हाँ इस question में provision for tax के बारे में given है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, provision for tax made, जितना made करते हैं उसे हम लोग इसमें क्या कर देते हैं. So, ये हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. सो फॉर दिस पर्पस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए हमें बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट. सो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का. प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस इज 27,000, क्लोजिंग बैलेंस विल बी 35,000 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन सेज दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन ये कह रहा है कि इनकम टैक्स ड्यूरिंग देर हमने पेड कितना किया है, हमने पेड किया है बैंक, मतलब हमने पेड कितना कर दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स, वी हैव टू पे दिस 25,000. सो इट विल बी 60,000, इधर भी 60,000 आना चाहिए एंड द डिफरेंस इज 33,000 विल बी नोन एज एन इनकम टैक्स प्रोविजन मेड. सो ये मेड जो है पूरा ऐड हो जाएगा. सो 1,02,000 इज अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. इसमें हम लोग क्या करेंगे 33,000 रुपीज ऐड कर देंगे, इट विल बी 1,25,000. सो दिस इज अ कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऑफ द क्वेश्चन नंबर 36. प्लीज नोट डाउन. ओके सो एट द एंड ऑफ टुडेज सेशन लेट्स वी डिस्कस द वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड. That is in question number 61. और ये question relate करता है आपके cash flow from investing activity से. That is in question number 61. Question number 61 says that the following balances appeared in the plant account and accumulated depreciation account in the books of Bharat Limited. 31st मार्च 2015 को प्लांट का बैलेंस है 7,50,000 एंड एट द एंड ऑफ 31st मार्च 2016 इज 9,70,000. एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट बिगनिंग इज 1,80,000 वेयर इज 2,40,000 एट द एंड.
प्लांट कॉस्टिंग 1,45,000 एक्युमुलेटेड डेप्रिशिएशन देयर ऑन 70,000 वॉज सोल्ड फॉर 35,000। यानी प्लांट जिसकी वैल्यू कॉस्टिंग थी 1,45,000 उस पर अब तक का डेप्रिशिएशन था 70,000 का, उसे आपने सोल्ड कर दिया 35,000 रुपीज़ में। सो प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। आपको ये निकालना है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्लांट परचेज्ड, डेप्रिशिएशन चार्ज एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ प्लांट एंड शो हाउ ईच ऑफ द आइटम रिलेटेड टू द प्लांट विल बी शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। हर आइटम्स को आप कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करेंगे ये भी आपको बताना है। तो यू नो वेरी वेल इस सिचुएशन में दो अकाउंट बनेगा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। पहला बनेगा आपका प्लांट अकाउंट, दूसरा बनेगा आपका एक्युमुलेटेड डेप्रिशिएशन अकाउंट। ठीक है, पहला कौन सा अकाउंट बनेगा? प्लांट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द प्लांट वैल्यू इज 7,50,000 एट बिगनिंग। सो टू बैलेंस बीडी 7,50,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट विल बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 9,70,000 एंड एक्युमुलेटेड डेप्रिशिएशन एट बिगनिंग द ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिशिएशन इज 180 एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिशिएशन इज 240। ओके, सो यहाँ पर आपने ओपनिंग प्लांट और क्लोजिंग प्लांट, एक्युमुलेटेड डेप्रिशिएशन बिगनिंग का और एंड का आपने राइट डाउन कर दिया। इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है कि प्लांट जिसकी कॉस्टिंग 1,45,000 थी उस पर अब तक का एक्युमुलेटेड डेप्रिशिएशन कितना था? 75,000। सो एक्युमुलेटेड डेप्रिशिएशन को क्या करते हैं आप लोग, उठाकर कहाँ लेके चले जाते हैं? प्लांट अकाउंट, उस अकाउंट में लेके चले जाते हैं जहाँ जिस अकाउंट से आपको सेल करना है। तब एट द टाइम ऑफ द सेल, जब आप सेल करने जा रहे हो, सेल करने जा रहा हो प्लांट अकाउंट पे, कितने की कॉस्ट का प्लांट 145, उस पे डेप्रिशिएशन कितना है? 70,000। सो ये 70,000 यहाँ आ जाएगा बाय एक्युमुलेटेड डेप्रिशिएशन इज 70,000। गॉट इट? अब इस अकाउंट को जब आप बैलेंस करेंगे, 2,40,000 प्लस 70 इज 3,10,000। इस 3,10,000 इधर भी कितना आना चाहिए? 3,10,000। डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,30,000। इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिशिएशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। इतना डेप्रिशिएशन आपने ड्यूरिंग द ईयर मेड किया है, आप आंसर देख लेना। डेप्रिशिएशन मेड ड्यूरिंग द ईयर आपका आएगा 1,30,000। ये आपका इस साल का डेप्रिशिएशन विद द हेल्प ऑफ द एक्युमुलेटेड डेप्रिशिएशन अकाउंट। अब दूसरा सवाल उठता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो आपने सेल कितने में किया है? बाई बैंक सेल किया है आपने 35,000। ये आप नॉर्मली निकाल सकते हैं कि किसी भी एसेट्स की अगर कॉस्ट वैल्यू, अगर किसी एसेट्स की कॉस्ट वैल्यू 145 है और उस पर अब तक का आपने डेप्रिशिएशन जो लगाया है वो कितना लगाया है? 70,000। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी? उसकी बुक वैल्यू होगी 75,000 और आप सेल प्राइस कितना है? 35,000। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आपको 40,000 रुपीज़ का क्या हो गया होगा? लॉस। और इस लॉस को आप कहाँ दिखाए होंगे? प्लांट के क्रेडिट में। कितना डिफरेंट लॉस है? उसके बाद आप इस अकाउंट को बैलेंस करोगे, इधर जो भी बैलेंस आएगा उसे आपको क्या दिखाओगे? परचेस के फॉर्म में। सो दिस इज अ शॉर्ट एंड सिंपल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन 61, जिसमें आपको प्लांट अकाउंट और डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करना था। प्लांट अकाउंट में जो बैंक है, ये बाई बैंक है, ये कहाँ शो होगा कैश फ्लो में? इन्वेस्टिंग का इनफ्लो होगा क्योंकि आपने सेल किया। ये जो परचेज बैलेंस आएगा यहाँ पर, जो मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है कि आप इसका बैलेंस करके आंसर बताना। सो जो ये बैलेंस आएगा यहाँ पे परचेज का, इसे आप लोग क्या करोगे? इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो की तरह शो करोगे। प्रॉफिट या लॉस, तो ये लॉस हुआ है सेल पे 40,000 रुपीज का, ये 40,000 क्या हुआ है? लॉस हुआ है सेल करने पर। सेल पे क्या हुआ है? लॉस। और लॉस को हम लोग क्या करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। दिस इज अ डेप्रिशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या है? डेप्रिशिएशन करंट ईयर का है। इस साल आपने कितना डेप्रिशिएशन मेड किया? 1,30,000। सो दिस डेप्रिशिएशन
will be added to the operating activity like loss or sale of machine. So operating में ये plus होगा, ये भी operating में plus होगा, ये investing में plus होगा और ये investing में minus होगा. So ये मैंने short में आपको बता दिया कि इस portion में 61 के जो plant account और accumulated depreciation account है उनका कैसा कैसा क्या effect पड़ेगा. Please note down. So in today's video, I hope today we cleared all the things very easily. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. टेक केयर. गुड बाय.